Hello everyone, welcome to my channel. If you are a returning subscriber, thank you so much for subscribing. And if you are here for the first time, may I request you to subscribe, and I assure you, you will not be disappointed. Today, I'm going to talk about a subject which is, I think, on everyone's mind. Anybody who wants to go for a pageant, whether it's a male or a female or even a married lady, a Mrs. pageant or maybe plus size or whichever pageant or teen pageant, there are expenditures, right? There are expenditures. Paisa to kharch hoga hi. Nothing comes for free. There are no free lunches. So there is an expenditure. And a lot of people specifically wanted to know how much expenditure will they incur in their journey for Miss India. बहुत से बच्चे पूछते हैं कि Miss India में participate करने के लिए उनका कितना खर्चा होगा. देखो, खर्चा तो होगा, हम इस चीज को रोक नहीं सकते. हाँ, हम control जरूर कर सकते हैं कि कहाँ खर्चना है, कहाँ पे किसी से अपने फ्रेंड से उसको लेना है, कहाँ पे हम उसको रेंट कर सकते हैं चीज को. सो देर आर अ होल लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑल्सो जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. सो आज स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मिस इंडिया एंड हाउ मच ऑफ एक्सपेंडिचर विल देयर बी. एंड टूवर्ड्स द एंड आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट अदर पैजेंट्स के कितना खर्चा हो सकता है. टू स्टार्ट विथ, अगर हम मिस इंडिया की बात करें तो मिस इंडिया जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज द पार्ट ऑफ टाइम्स इंडिया ग्रुप, और इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता. देर इज नो रजिस्ट्रेशन फी. जैसे ही फॉर्म्स आउट होते हैं उनकी साइट पे, आपको फॉर्म भरना होता है एंड सबमिट करना होता है, एंड देन दे विल यू नो लेट यू नो कि आपका ऑडिशन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यू आर अप्लाइंग फ्रॉम, राइट. और आजकल ये ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में भी आपको फॉर्म भरना होगा एंड फॉर्म के साथ आपको कुछ पिक्चर्स भेजने होंगे. तो जहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात आती है, वो यहाँ से शुरू होता है कि आप जो पिक्चर्स भेजेंगे वो कैसी हों. देखिए, आपकी पिक्चर्स वुड बी द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन द पीपल जो कि उन फॉर्म्स को देख रहे हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कोई ऐसी वैसी पिक्चर्स ना भेजें. आप वो पिक्चर्स भेजें जो आपका बेस्ट वर्जन उनको दिखाएं कि यस, दिस इज हर बेस्ट. सो बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि दे कैन गेट इट डन, पोर्टफोलियो डन फ्रॉम आउटसाइड. अब अगर पोर्टफोलियो की बात आती है, अगर आप एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कराते हैं, तो उसमें भी अगर कोई वेल नोन फोटोग्राफर है जो कि मार्केट में जिनका बहुत नाम है, तो वो लोग चार्ज करते हैं कि अगर आप इंडोर्स करवा रहे हैं तो इतने पैसे लगेंगे, आउटडोर्स करा रहे हैं तो इतने पैसे लगेंगे, आप मेकअप आर्टिस्ट भी साथ में लेंगे पिक्चर्स के लिए तो इतने पैसे लगेंगे, आपको स्टाइलिस्ट भी चाहिए या आपको ड्रेसेस भी चाहिए तो इतने पैसे लगेंगे. तो डिपेंडिंग कि आपको क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से वो बजट देते हैं, जो कि 45,000 से लेके 75,000 तक चला जाता है. लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी भी लोकल फोटोग्राफर को जो अच्छा हो, आपने देखा भला हो, आप उनसे कह सकते हैं कि वो आपका पोर्टफोलियो शूट करें. कुछ बच्चे स्टूडियो में जाके भी पोर्टफोलियो शूट करा लेते हैं, वो फिर भी थोड़ा कम पड़ता है. और कुछ ऐसे हैं जो खुद ही अपने पिक्चर्स खींचना चाहते हैं, सो दे आर गुड एट क्लिकिंग पिक्चर्स. लेकिन आप ये जरूर देखिए कि अगर आप चाहे सेल्फी खींच रहे हैं या कोई पिक्चर खींच रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, फोकस बहुत अच्छा हो, फ्रंट फेसिंग हो, आप दिखाई दे रहे हो. क्योंकि यहाँ पर जो तीन पिक्चर्स आपको सबमिट करनी पड़ेंगी, वो होगा एक क्लोजअप, एक आपका मिड लेंथ और एक आपका फुल लेंथ. सो अब यहाँ पे आपका कितना एक्सपेंडिचर रहेगा, हाईएस्ट मैंने आपको बता दिया. लोएस्ट अगर आप भी अपनी पिक्चर्स खींचते हैं या उनको एडिट करते हैं तो 1500 के करीब तो उसका भी खर्चा होगा. और अगर आपके कोई फ्रेंड्स आपको ये करके दे देते हैं जो कि इस इंडस्ट्री से हैं, जिनको पता है पिक्चर्स कैसे खींचते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा. और इसके लिए कुछ अच्छे पोजेस जरूर सोच के रखिए अगर आपको अपना पोर्टफोलियो शूट कराना है.
अब ये आपने सबमिट कर दिया, अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, आपने अपना स्टेट सबमिट कर दिया, अब आपको मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन आपके फॉर्म के हिसाब से एक मेल भेजेंगे कि इस दिन आपका ऑडिशन होगा, ये कागजात आपको लेके आने हैं, एंड यू हैव टू ड्रेस अप लाइक दिस लाइक दैट। तो ड्रेसिंग अप की जहाँ बात आती है, हाउ डू यू ड्रेस अप एंड गो फॉर ऑडिशन, हल्का सा खर्चा वहाँ भी हो सकता है, या आप चाहें तो उसे भी बचा सकते हैं। आपको चाहिए होगा एक वाइट गंजी और एक शॉर्ट्स, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपके पैजेंट सैंडल्स। सो गंजी कई बार मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ही देती है, लेकिन अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार दे रन आउट ऑफ इट तो आपके पास नहीं होगा। सो एक अच्छी डेनिम की शॉर्ट्स पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स एज ए सेट पैजेंट शूज, जिनके बारे में मैं अभी दो मिनट में आपको बताती हूँ। प्लस पैजेंट में ही आपको एक राउंड होता है कॉकटेल ड्रेस राउंड। अगर आप फर्स्ट राउंड क्रॉस कर लेते हैं, सेकेंड राउंड में जाते हैं ऑडिशन के, तो आपको कॉकटेल ड्रेस पहननी होती है, विच इज ब्लैक इन कलर, मतलब ब्लैक मिनी काइंड ऑफ अ ड्रेस। बहुत से डिजाइन आपको मिलते हैं मार्केट में, तो वो अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बोरो कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, तब तो कोई एक्सपेंडिचर है ही नहीं। या ऐसे बहुत से नेट पे साइट्स हैं जहाँ पे आप जाकर ये ऑर्डर कर सकते हैं। बिटवीन 2 to 3,000 रुपीज में आपको एक अच्छी कॉकटेल ड्रेस मिल जाती है, 1200-1500 के अंदर में आपको एक अच्छी शॉर्ट्स मिल जाती है। लेकिन आप ऑब्सेस्ड मत हो जाइएगा कि आपको कोई ब्रांड ही खरीदनी है, क्योंकि मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने कभी नहीं कहा कि आप ये ब्रांड खरीदो, यहाँ से खरीदो, ये खरीदो। सब आपके अपने बजटिंग के ऊपर है, तो जो आपके बजट के हिसाब से होगा। सेकेंड स्टेप यानी कि ऑडिशन क्लियर करना है, जिसमें गंजी चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, कॉकटेल ड्रेस चाहिए और एक अच्छा सैंडल चाहिए, तो ये आप इसमें इन्वेस्ट करें। अब जहाँ सैंडल्स की बात आती है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, क्योंकि रैंप वॉक अगर कंफर्टेबल सैंडल्स में होगा, प्रॉपर टाइप के सैंडल्स में होगा, तो आप अच्छे से चल पाएंगे, कंफर्टेबली चल पाएंगे, ऑडिशन सारा दिन चलेगा तो उसको पहन के रख पाएंगे। सो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक अच्छे पैजेंट शूज में इन्वेस्ट करें। अब पैजेंट शूज की जहाँ तक बात आती है, एक टाइम था दे वर वेरी एक्सपेंसिव। चाइनीज लॉन्ड्री आती थी, स्टीव मेडन आता था, यू नो इस टाइप के बहुत से नाम थे जो कि एक्सपेंसिव थे, जो लेट्स से आपके 5 to 10,000 रुपीस ले लेते थे। कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं जो इसके भी ऊपर चले जाते हैं, और कई बच्चे इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर कहीं पे मुझे किसी ने बताया था कि इंस्टाग्राम पे कोई हिमाली दोषी है जिसकी 3,500 के करीब सैंडल्स आते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो क्लियर, KLEAUR आई थिंक इज द स्पेलिंग, क्लियर मेलबोर्न करके एक कंपनी है, जिसमें आपको अराउंड 1600 में आपके जूते मिल जाएंगे, एंड देन एज पार एज द चाइनीज लॉन्ड्री और स्टीव मेडन। मैं खुद उन्हें खरीद चुकी हूँ, एंड आई हैव वोन देम, एंड दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। सो आप उसमें भी अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं, बट बाय कंफर्टेबल शूज, और ये जो मैं बता रही हूँ दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। अब ऑडिशन में आपका एक और खर्चा है, वो है आपका मेकअप का खर्चा। यहाँ पे आपको अपना मेकअप खुद करना पड़ता है, अपने बाल खुद बनाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांट यू टू लुक लाइक। सो दे विल टेल यू कि न्यूट्रल लुक होना चाहिए, सॉफ्ट कर्ल्स होने चाहिए, तो वो आपको खुद बनाने पड़ेंगे। और कुछ बच्चे हैं जो वो खुद नहीं करते हैं, तो दे हायर ब्यूटी एक्सपर्ट जो उनके लिए कर देते हैं, लेकिन ऑडिशन सुबह सुबह होते हैं, तो कई बार सुबह सुबह आपको ब्यूटी एक्सपर्ट्स नहीं मिल पाते। तो ऐसे में कुछ लोग ऑनलाइन जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, अर्बन क्लैब के कुछ लोग हो गए या ऐसा, उनके साथ फिक्स कर लेते हैं और वो आके आपका मेकअप कर लेते हैं। और कुछ बच्चे खुद अपना मेकअप सीखते हैं और खुद अपना मेकअप करते हैं, तो यहाँ पर भी कितना स्पेंड करना है ये आपके अपने हाथ में है। ऑडिशन का और खर्चा क्या होगा? ऑडिशन का ये खर्चा होगा कि आप जहाँ पर भी आप अपना ऑडिशन दे रहे हैं, अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, तो ट्रैवल का खर्चा हो गया, रहने का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, वो भी रहेगा। प्लस आपको सारा दिन अगर वहाँ रहना है, तो कुछ खाने पीने के लिए भी आपको चाहिए, तो कुछ स्नैक्स हो गया, कुछ ड्रिंक्स हो गया, उसका भी खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। प्लस
लास्टली आपका खर्चा आएगा एक्सेसरीज पे, तो अगर आप अपने कानों में हुप्स पहनना चाहते हैं, कुछ इयररिंग्स पहनना चाहते हैं, जो भी एक्सेसरी आप कानों में पहनना चाहते हैं, उसका थोड़ा बहुत खर्चा आपका अलग से होगा। अब ये तो खर्चा वो तब तक का है जब तक आप ऑडिशंस को क्लियर नहीं कर लेते। जब आप ऑडिशंस क्लियर कर लेंगे तब आपको जाना पड़ेगा जोनल राउंड में, यानी कि जो इंडिया है उसको चार जोन्स में बांटा गया है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। तो आप जिस भी जोन में होंगे आपको अब जोनल कॉन्टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें जो तीन बच्चे आपके स्टेट से चुने गए थे उनमें से एक बच्चा जो है वो फाइनलिस्ट बनेगा टू गो टू मिस इंडिया। और इसके लिए दो तीन दिन तक आपको ठहरना पड़ता है। ये जो ठहरने का इंतज़ाम है ये मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ही करती है, तो उसका खर्चा तो खैर नहीं है आपका, लेकिन आप जहाँ से भी आ रहे हैं वो ट्रैवल का खर्चा तो आपका रहेगा ही। लेकिन इसके अलावा जोनल राउंड क्लियर करने के लिए इसमें बहुत तीन चार दिन में इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, और हर एक्टिविटी के लिए आपको कुछ ना कुछ पहनने ओढ़ने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कोई सब कॉन्टेस्ट हो, चाहे वो कोई गैदरिंग हो, चाहे सिटी टूर हो, चाहे कोई पार्टी हो, तो आपको इनके लिए भी कुछ कपड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जोनल राउंड्स में जो अलग अलग सब कॉन्टेस्ट होते हैं, जैसे टैलेंट राउंड है उसकी ड्रेस का खर्चा हो गया, या आपका स्टाइल राउंड है उसकी ड्रेस का खर्चा हो गया, प्लस डेली आपकी जो एक्टिविटीज रहेंगी क्लासरूम में आप जो पहनेंगे डेली वेयर, स्मार्ट डेली वेयर, उसका खर्चा हो गया, प्लस आपको इवनिंग में एक दो इवनिंग गाउन्स पहनने पड़ सकते हैं, किसी पार्टी में जाना पड़ सकता है, उसका खर्चा हो गया, प्लस सिंस यू बी स्टेइंग सबके साथ एक साथ यू नीड अ गुड नाइट वेयर, उसका खर्चा हो गया, प्लस ड्रेसेस के साथ लॉन्जरी अच्छी चाहिए, उसका खर्चा हो गया, स्पोर्ट्स में आपको जिम जाना पड़ेगा तो जिम वेयर का खर्चा हो गया। तो कपड़ों के साथ साथ में आपको अपने उसी हिसाब से शूज़ भी देखने पड़ेंगे और उसी हिसाब से आपको एक्सेसरीज भी देखनी पड़ेंगी, चाहे वो नेकलेसेस हो, इयररिंग्स हो, बेल्ट्स हो, गॉगल्स हो, हैट्स हो, स्कार्व्स हो, वो सब का भी आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी आप इस खर्चे को बचा सकते हैं अपने किसी फ्रेंड्स के थ्रू, उनसे ये कपड़े लेकर, उनसे करके, या ऐसे कुछ डिज़ाइनर्स भी हैं या आपके यहाँ बुटीक्स होंगे आपके शहर में जो इन टर्न के आपको आपको अपनी ड्रेसेस या चीज़ें देंगे, एंड इन टर्न आप वो कहते हैं कि हमारे लिए कोई शूट कर दो या कोई ऐड कर दो, तो बार्टर में कई बार आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसीलिए आपके पास कुछ गाउन्स का होना, स्पोर्ट्स वेयर का होना, डेली वेयर की टॉप्स एंड बॉटम्स का होना, स्कर्ट्स का होना, गाउन्स का होना ज़रूरी है। पर तीन दिन के हिसाब से आप ये सामान इकट्ठा करें, अगर आप चाहें तो आप फ्रेंड से लें, आप चाहें तो आप किसी से स्पॉन्सर करवा सकते हैं, आप चाहें तो आजकल हर शहर में रेंट गाउन, रेंट ड्रेस करके बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां से आप इनको एक नॉमिनल कॉस्ट पे रेंट आउट भी कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेसरीज हो, चाहे वो आपके ड्रेसेस हो। पर जो शूज़ हैं या सैंडल्स हैं वो आपको अपने ही पहनने पड़ेंगे, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि आपका साइज हर एक के पास हो, और आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक तो वो न्यू हील्स जो मैं आपसे बताई हूँ अभी, वो हील आपके पास हो, एक ब्लैक कलर की सैंडल्स आपके पास हो, एक डल गोल्ड सैंडल आपके पास हो, सिल्वर कलर की सैंडल आपके पास हो, कुछ फ्लैट जूते जो आप डेली पहने, स्पोर्ट्स के जूते आपके पास हो, प्लस एक अच्छा बाथरूम स्लीपर आपके पास हो जो देखने में डिसेंट हो, वो नहीं जो आप घर पर पहनते और गंदा मंदा से है। यहाँ पर हर चीज़ आपकी जो है क्लासी दिखनी चाहिए, राइट? और जब आप इस जोनल राउंड को क्रॉस कर लेंगे, फाइनलिस्ट बन जाएंगे, तब आपको जाना पड़ेगा मुंबई, जो ऑलमोस्ट 30 दिन के करीब आपको बिफोर द फिनाले वहाँ रहना पड़ता है। तो मेजर खर्चा तब आता है, मेजर खर्चा तब आता है। इससे पहले का खर्चा स्टिल टॉलरेबल, लेकिन जो बाकी का खर्चा अब आएगा उसके लिए आपको बजटिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि इस खर्चे को आप कैसे उठाएंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स अभी आप छोटे हैं, शायद आप कमाते भी ना हो, तो ये सारा का सारा बर्डन आपके पेरेंट्स पे पड़ सकता है। बहुत से ऐसे बच्चे मुझे चिट्ठियों में लिखते हैं कि मैम मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे नहीं मानते कि मुझे पैजेंट के लिए जाना चाहिए, तो मैं उन्हें कैसे कन्विंस करूँ।
देखो उसके लिए पहली चीज आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो कि पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ दम है इसमें, कुछ दम है, ये प्रिपेयर्ड है, ये इसका पैशन है और ये कर रही है, तैयारी कर रही है, तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आपके पास सिर्फ एक सपना है लेकिन आपने उसके ऊपर कोई मेहनत नहीं करी, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, सपोर्ट करें ना करें, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसा पेड़ों पे नहीं उगता, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। तो वो भी 10 बार सोचेंगे कि आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सो यू हैव टू अर्न दैट ट्रस्ट ऑफ योर पेरेंट्स कि पहले से ही आप उनको वो मेहनत दिखाएं ताकि उन्हें वो दिखाई दे और वो ट्रस्ट करके आपके ऊपर ये एक्सपेंडिचर का खर्चा कर सके। सबसे पहले तो ये कहने को तो एक्स्ट्रा खर्चा है, फायदा भी करता है नुकसान भी है क्योंकि महंगा है, वो खर्चा है आपकी ग्रूमिंग का, आपकी तैयारी का। बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या मुझे ग्रूमिंग एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। आंसर इज इट्स एंटायरली योर चॉइस, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर करेंगे तो आप बेटर प्रिपेयर्ड रहते हैं, आपको मालूम होता है कि अब क्या होगा, हाउ डू आई प्रिपेयर माई सेल्फ, सो यू आर बेटर इक्विप्ड बिकॉज यू नो कि क्या होता है और हर एक ग्रूमिंग स्कूल में ए टू जेड क्या क्या चीज यहाँ आपके काम आएगी वो सिखाया जाता है। मैं बहुत से वीडियोस देख रही हूँ जहाँ पे 2 या 3 ग्रूमिंग स्कूल्स को बहुत हाईलाइट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और स्कूल्स नहीं है। मेरा अपना स्कूल भी फॉर द लास्ट गॉड नोज हाउ मेनी इयर्स 84 से चला रही हूँ, चल रहा है। हाँ मैंने कभी उसे हाईलाइट नहीं किया इन स्पाइट के मेरे इंस्टीट्यूट से कुछ बहुत बड़े बड़े नाम बाहर आए हैं। आई विल नॉट बोस्ट अबाउट इट, आप गूगल करके देख सकते हैं। सो लॉट ऑफ पीपल दे डोंट इवन मेंशन माय एकेडमी, बट दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, इट्स ओके, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हीरा होता है उसके लिए बहुत उसको गाड़ने निकालने में ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। सो हीरा है हमारी अकेडमी एंड इट्स कॉल्ड रीगा हाउस जो कि गुड़गांव में है, एंड वी ऑफर ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज फॉर बॉयज गर्ल्स मिसेज ट्रांसजेंडर प्लस साइज हर किस्म के कॉन्टेस्ट के लिए आपको यहाँ तैयारी कराई जाती है। सो चॉइस इज योर्स कि आप ग्रूमिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास बजट है कि नहीं है, या आप बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो आप YouTube पे देखकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। मोर ओवर मैं टाइम टू टाइम आपसे कहती भी रही हूँ कि दिस इज दी ओनली पैजेंट बुक अवेलेबल इन इंडिया जो कि सुष्मिता सेन के फोरवर्ड के साथ मैंने लिखी है, और उसमें हर वो चीज़ आपको मिलेगी जो कि आपको पैजेंट की तैयारी के लिए जाननी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा कि ये किताब ना फ्लिपकार्ट ना अमेजन ना स्नैपडील कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, इट्स सोल्ड आउट। अमेजन पे जो 1 या 2 कॉपीज हैं दे आर सेलिंग इट फॉर 17,000 रुपीज, कैन यू बिलीव इट, 17,000। सोच के अच्छा भी लगा कि मेरी किताब इतनी महंगी, और बुरा भी लगा कि क्या ये कोई प्राइस होती है। सो मैं ये किताब आप मेरे पास कुछ अपनी पर्सनल कॉपीज हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, अभी भी कुछ बची हुई हैं इफ़ यू वॉन्ट देम, 600 रुपीज फॉर द बुक, प्लस क्योंकि पैंडेमिक टाइम है और ये कोरियर वाले तो आराम से लेके नहीं जाने को तैयार होते, पहले इट वॉज 600 रुपीज प्लस 200 कोरियर चार्जेस पैन इंडिया, लेकिन अब उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए हैं, सो 600 फॉर द बुक एंड 400 रुपीज फॉर कोरियर चार्जेस पैन इंडिया, सो द बुक विल कॉस्ट यू जस्ट 1,000 रुपीज विद माई पर्सनल ऑटोग्राफ। आप किताब से सीख सकते हैं। ग्रूमिंग स्कूल्स डिपेंड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम 35,000 टू 75,000 कॉस्ट होती है, और हर एक ग्रूमिंग स्कूल का एजेंडा अलग है। कुछ लोग आपको पोर्टफोलियो देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ पोजिंग सिखाते हैं, कुछ डाइट्स का बारे में बताते हैं, हर एक का अपना अपना सिस्टम है। आप इन सब को चेक कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट को भी चेक कर सकते हैं, एंड देन यू मेक अ डिसीजन कि आप ग्रूमिंग स्कूल जाना चाहते हैं कि नहीं। तो मेजर खर्चा एक्चुअली ग्रूमिंग स्कूल का होता है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो दैट इज इंटायरली अप टू यू, कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करें। किताब से सीखें, यूट्यूब से सीखें, आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं और आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। अब आते हैं दूसरे आपके जो ग्रूमिंग के ऊपर खर्चा होगा, स्टार्टिंग विद योर हेयर। कई बच्चों के जो बाल हैं दे नीड यू नो उसकी ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसा चाहिए, कैरेटीन ट्रीटमेंट करानी है, स्ट्रेटन कराने, जो कुछ भी आपको अपने बालों के लिए कराना है, कलर कराना है, उसका खर्चा हो सकता है।
देन कम्स योर स्किन. कई बच्चों को स्किन की प्रॉब्लम होती है, दे वॉन्ट सम स्किन ट्रीटमेंट्स, फेशियल्स, ये सारी चीज़ें जो स्किन के लिए ज़रूरी हैं. कुछ लोग वो कराते हैं, उसका खर्चा होता है. तो स्किन का हो गया, हेयर का हो गया. अब आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जो कि आपको काफ़ी टाइम पहले से शुरुआत करनी पड़ेगी. ये इंस्टेंटली नहीं बॉडी बनती है, बच्चे कई कई सालों तक उस पर काम करते हैं. सो यू नीड जिम, जिम में जाने का खर्चा, जिम में पर्सनल ट्रेनर लेंगे उसका खर्चा हो गया. प्लस अगर आप कोई डाइटिशियन रखते हैं जो आपके डाइट प्लान्स बनाए, उनका खर्चा हो गया. और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ करें, आप घर से भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट से सीख सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो जो आपको डाइट में मदद कर सके, आप उनसे भी डाइट में मदद ले सकते हैं. तो ये आपकी ग्रूमिंग का खर्चा. इसके अलावा आपके जो नेल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आपके हाथ बोलते हैं, एंड इफ़ यू हैव गुड मैनिक्योर्ड हैंड्स दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो कुछ लोग फ्रेंच मैनिक्योर कराते हैं, कुछ लोग नेचुरल एक्सटेंशंस लगवाते हैं. सो नेल्स बनवाने का भी खर्चा इसमें आ गया आपका. प्लस मेकअप पे बहुत खर्चा होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मिस इंडिया हर जगह आपको मेकअप आर्टिस्ट दे, यू नो, वो सब कॉन्टेस्ट में मिल जाएगा, फिनाले में मिल जाएगा, लेकिन बाकी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं आपको अपना मेकअप खुद करना पड़ेगा. सो इसके लिए आप मेकअप खरीदने के लिए थोड़ा पैसा आपको उसके लिए भी लगेगा. अब ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांड का मेकअप खरीदते हैं. आप चाहें तो हाई एंड जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है, या आप चाहें तो ड्रग स्टोर ब्रांड हो गया, जैसे मेबेलिन हो गया, लैक्मे हो गया, उन्हें भी खरीद सकते हैं, दे आर गुड ब्रांड्स. लेकिन मेकअप करना तो आना चाहिए, सो मेकअप सीखना पड़ेगा. और मेकअप सीखने के लिए या तो अकेडमी ज्वाइन कीजिए, या किसी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप सीखिए, कुछ बेसिक हेयर स्टाइलिंग सीखिए, ताकि आप अपने बालों को अलग अलग तरीके से तैयार कर सकें. सो ये खर्चा भी इसमें आपका इंक्लूड रहेगा, जिसमें आपकी कंप्लीट ग्रूमिंग फ्रॉम फिटनेस टू डाइट टू फिजिकल ग्रूमिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. वेदर इट इज़ वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ऑल दैट स्टफ इज इंक्लूडेड इन दैट खर्चा. तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो खुद करते हैं, बाहर से करवाते हैं, ब्रांड खरीदते हैं, अननोन ब्रांड खरीदते हैं. इट्स इंटायरली योर पर्सनल चॉइस. एक बार जब आप फाइनलिस्ट बन जाते हैं, तब आपको दो वीडियो सबमिट करने पड़ते हैं, जो शायद अब बिकॉज ऑनलाइन है तो आपको डिफरेंटली कुछ डिफरेंट टाइप के वीडियो सबमिट करने पड़ेंगे. वन इज कॉल्ड दी कॉक्स एंड किंग्स वीडियो, जिसमें आप अपने स्टेज के बारे में बताते हैं, आपके स्टेज की जो खूबियाँ हैं, उसका हिस्ट्री हो गया, उसके इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हो गए, समथिंग लाइक अ टूरिज्म वीडियो, वो आपको बनवाना पड़ता है. तो वो शूट करने के लिए आपका पैसा खर्च हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी स्टेट को बिलोंग करते हैं तो उसको दिखाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है. आप ट्रैवल करेंगे तो फोटोग्राफर भी आपके साथ ट्रैवल करेगा, एक दो लोग हो सकता है और आप अपने साथ ले जाएं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे आपके डिज़ाइनर्स हो. फिर जो फोटोग्राफर है वो एक अच्छे किस्म का होना चाहिए, जो अच्छा आपके एक्चुअली वीडियो बना सके. फिर वो सब खर्चने के बाद में आपका एडिटिंग का खर्चा हो सकता है, ये जो ट्रैवल का खर्चा है, स्टे का, खाने पीने का खर्चा है, वो खर्चा हो जाता है. और ये कुछ मेजर खर्चा होता है कॉक्स एंड किंग्स का वीडियो बनाने में. दूसरा वीडियो आपका होता है ब्यूटी विद अ पर्पस, जिसमें आप जिस कॉज पे काम कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सब चीज़ों का भी एक वीडियो आपको बनाना पड़ता है. उसमें भी थोड़ा बहुत खर्चा होता है. हाँ, अभी ब्यूटी विद अ पर्पस एट द मोमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन है. तो अब आपको कीटो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसमें आपको खुद खर्चा नहीं करना पड़ेगा, पर आपको फंड्स जरूर कलेक्ट करने पड़ेंगे लोगों के साथ टू पुट इन द कीटो फंड. तो जो हाईएस्ट कीटो का पैसा लेके आता है, उसको जो है एक स्पेसिफिक टाइटल मिलता है, और फाइनलिस्ट बनने का भी एक मौका मिलता है. अब आता है आपका फाइनलिस्ट बनने के बाद वार्डरोब का खर्चा. जो आप 30 डेज वहां पे रहेंगे, इतनी एक्टिविटीज अटेंड करेंगे, तो यहाँ पे लड़कियाँ 6-6, 7-7 सूट केसेस लेके आती हैं, क्योंकि इतने कपड़े चाहिए ही होते हैं. तो आपको 5-7 तरह तरह की स्कर्ट्स हो गई, 15-20 डिफरेंट डिज़ाइंस के टॉप्स हो गए जो आप वेरियस एक्टिविटीज़ में पहने, कुछ डिफरेंट कॉकटेल ड्रेसेस हो गई जो अलग अलग ओकेजन्स पे इनडोर्स एंड आउटडोर्स आपको पहनने पड़े, कुछ बॉडी कॉन्स या जंप सूट्स जो कि आपकी फिटिंग्स वगैरह के लिए भी आपको काम आएंगे, 2-4 कुछ अच्छी अच्छी गाउन्स जो स्पेसिफिकली किसी सब कॉन्टेस्ट राउंड के लिए या किसी स्पेशल पार्टी के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, गुड नाइट वेयर जो आप घर में अपने रूम में वापस आने के बाद पहनेंगे,
ऑल्सो अच्छा जिम वेयर, स्पोर्ट्स वेयर जो आपको मॉर्निंग में जिम में पहनना पड़ेगा, प्लस हर एक चीज के साथ एक्सेसरीज, शूज एंड अ स्पेसिफिक लुक। तो जो लड़कियां मिस इंडिया में जाती हैं, तो वो जाने से पहले उनको एक मेल आती है कि आप 30 डेज यहाँ होंगे, आइटिनरी के साथ आपको मेल आती है कि ये एक्टिविटीज होंगी और ये ड्रेसेस आपको चाहिए होंगी। उसके हिसाब से लड़कियां क्या करती हैं, एक एक लुक का एक पैकेट बना लेती हैं। एक पैकेट के अंदर पूरी ड्रेस भी आ जाती है, एक्सेसरीज आ जाते हैं, जूते आ जाते हैं, मेकअप लुक आ जाता है, सब कुछ वो एक पैकेट में रखती हैं। क्योंकि अगर वहां जाके आप सोचेंगे आज क्या पहनूं, इसके साथ ये क्या पहनूं, वो पहनूं, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, टेंशन होती है। अगर पहले से लुक डिसाइडेड होता है और वो पैकेट में बंद होता है, तो आपने अभी मॉर्निंग में ये पैकेट खोला, ये एक्टिविटी हो गई, उसको बंद किया, वापस पैकेट में डाला, अभी नेक्स्ट पैकेट खोला। सो इस तरीके से आप अपने लुक डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपने कपड़ों को रिसाइकल भी कर सकते हैं। वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन वाले कि आपको हर टाइम अलग ही ड्रेस पहननी, अलग लुक दिखे। वो स्टाइलिंग आपको सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से मैं एक गारमेंट को अलग अलग तरीके से दिखा सकती हूँ। सो आप कुछ स्टाइलिंग टिप्स लेके रिसाइकल करके अपनी चीजें दिखा सकते हैं, अपनी एक्सेसरीज को रिसाइकल कर सकते हैं, अपने सैंडल्स वगैरह अलग अलग लुक में आप दिखा सकते हैं। सो ये सब स्टाइलिंग वगैरह, तभी मैं कहती हूँ कि ये चीजें आपको सीखने के लिए मिलती हैं जब आप किसी ग्रूमिंग स्कूल में जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वहीं से सीखें, आप बुक्स पढ़ के, इंटरनेट से, कहीं से भी ये चीजें सीख सकते हैं, हाउ टू मिक्स एंड मैच एंड हाउ टू रिसाइकल योर क्लोथ्स, ताकि आप अलग अलग लुक्स खुद क्रिएट कर सकें। एक और बहुत मेजर खर्चा जो मैंने देखा है वो होता है डेंटल ट्रीटमेंट के ऊपर, बिकॉज यू हैव टू हैव अ ग्रेट स्माइल, और स्माइल अगर आपकी अच्छी होगी तो ऑफकोर्स आपके पिक्चर्स अच्छे आते हैं, यू फील मोर कॉन्फिडेंट। तो कई बच्चों का डेंटल ट्रीटमेंट में, ब्रेसेस लगाने में, वाइटनिंग करने में, स्माइल डिजाइन करने में खर्चा होता है, बट इट्स नॉट विद एवरी वन, दिस डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस कि आपको डेंटल पे भी कई बार खर्चा करना पड़ सकता है। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो आपका खर्चा आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप इन चीज़ों को खरीदें, या आप इन चीज़ों को अपने फ्रेंड्स से लें, या आप इनको रेंट आउट करें कहीं से, या आप इसको स्पॉन्सर करवाएं किसी से एंड इन रिटर्न आप उनको वापस कुछ दें। सो तरीके बहुत हैं कि आप ये चीज़ें अरेंज कर सकें अपने लिए। और अगर आप खरीद भी रहे हैं तो याद रखिए, डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद अ ब्रांड कि मुझे ब्रांड ही खरीदनी है, तो नेचुरली खर्चा बढ़ जाता है। यहाँ पे कोई नहीं देखने वाला कि आपने क्या ब्रांड पहना है, क्या नहीं पहना। आप पटरी से भी अगर चीज उठाते हैं ना और उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, दैट ऑल्सो वुड लुक वेरी नाइस। कोई नहीं देखने वाला कि आपने ये कपड़ा कहाँ से खरीदा है, कौन सी ब्रांड का है, कितने का है, इन चीजों के ऊपर आपकी जजमेंट नहीं होती। बट हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ, इनके ऊपर जजमेंट होती है। तो इसलिए जो भी आप खरीदें या अपने फ्रेंड्स से लें या स्पॉन्सर करवाएं, वो क्लासी होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू लुक लाइक अ क्वीन एंड यू हैव टू द मोर यू वेयर गुड थिंग्स, द मोर यू कैरी योर मेकअप, हेयर, एवरीथिंग विथ कॉन्फिडेंस, तो वो आप नोटिस में आओगे ही आओगे जहां पर भी आप जाओगे। तो अगर हम मोटे मोटे में लें तो आप कह सकते हैं कि वार्डरोब में खरीदने में, चाहे बेसिक वार्डरोब भी आप खरीदें, अराउंड 50,000 टू 75,000 का आपका खर्चा हो सकता है अगर आप खरीद रहे हैं। अगर आप शूज की बात करें तो अबाउट 15,000 के करीब शूज की खर्चा हो जाएगा। अगर आप मेकअप की बात करें तो करीबन, डिपेंड्स आप क्या खरीद रहे हैं, 10,000 to 15,000 आपका मेकअप का खर्चा होता है। ग्रूमिंग की बात करें तो भी अराउंड 15,000 to 20,000 आप बेसिक ग्रूमिंग पे खर्चा अपना कर सकते हैं। तो ओवरऑल अबाउट 1.5 to 2 lakhs का बजट आपका बन जाता है जब आप इस किसी पैटर्न में, स्पेशली मिस इंडिया में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और ये खर्चा क्यों बढ़ जाता है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि 30 डेज जो आप वहां रहते हैं, वहां पर जो आपको कपड़े चाहिए, चीजें चाहिए, उसकी वजह से खर्चा बढ़ जाता है। और फिर से कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप ये खरीदें, आप अपने फ्रेंड्स जो कि सेम साइज में हैं उनसे ले सकते हैं। प्रीवियस जो पैजेंट्स में लड़कियां गई हैं उनके पास कुछ ऐसी गाउन्स वगैरह पड़े होंगे जो वो पहनते नहीं, आप उनसे रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं, स्पॉन्सर करवा सकते हैं। आपके फैमिली में कोई हो जो बुटीक चलाते हैं, कुछ करते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो स्पॉन्सर करें। लेकिन
याद रखें कि अगर आपको कोई कपड़े दे रहा है तो उसकी केयर करना भी आपका फर्ज बनता है। ये नहीं कि किसी और के कपड़े हैं तो आप उनकी केयर ना करें, और जिससे भी लें उसे वापस जरूर करें। मैं ये भी भुगत चुकी हूँ कि कपड़े लिए जाते हैं और वापस नहीं करते हैं बच्चे, एक्सेसरीज लेके जाते हैं और वापस नहीं करते, और जब करते भी हैं तो अच्छी कंडीशन में नहीं करते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है कि अगर आप किसी से लें तो आप उसको ढंग से वापस भी करें। तभी कोई दूसरा आपकी मदद करना चाहेगा जब भी आपको ज़रूरत हो, लेकिन तब लोग भी मदद नहीं करेंगे। और अगर आप इन सब चीज़ों को खुद ही प्लान कर लेते हैं और इतना ज़्यादा एक्सपेंस इन्वॉल्व भी नहीं करते हैं, और आपके पेरेंट्स को भी दिखता है कि हाँ इसने खुद इतनी मेहनत करी करी, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सो डिपेंड्स कि आप पैजेंट के कौन से लेवल पे हैं। अगर आप ऑडिशन पे हैं तो क्या खर्चा होगा, जोनर पे हैं तो क्या होगा, फिनाले में जाएंगे तो क्या खर्चा होगा, उसके हिसाब से आप बैठ के अपनी बजटिंग कीजिए एंड देन थिंक ऑफ वेज एंड मीन्स के कैसे इन चीज़ों को आप अरेंज कर सकते हैं एंड देन सी कि आप इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। सो दिस वॉज अबाउट मिस इंडिया। लेकिन जो बाकी के पैजेंट्स होते हैं, जैसे रूबरू मिस इंडिया हो गया या मिसेज इंडियाज हो गए, तो इन सब में आपको एक महीना नहीं रुकना पड़ता। मे बी यू हैव टू मैक्सिमम स्टे फॉर अ वीक, और उसमें भी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं मिस इंडिया में जितनी होती है, क्योंकि मिस इंडिया एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ज़रूरी नहीं हर पैजेंट में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो। तो खर्चा आपका उस हिसाब से कम हो जाता है। अगर आप रिसाइकिल करते हैं अपने कपड़ों को तो भी आपका काफ़ी हद तक एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जो कि लेस देन 1 लाख के अंदर भी आप, या लेस देन 75-50,000 के अंदर भी आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। एक बात क्लियरली आपको बताना चाहूंगी, अदर देन मिस इंडिया जो भी पैजेंट्स होते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन फी भी लगती है और उसके बाद में ग्रूमिंग फी भी लगती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में जो मिस इंडिया हो गया, मिस डीवा हो गया, आपका मिस्टर इंडिया हो गया, ये लोग इसीलिए आपसे रजिस्ट्रेशन फी नहीं लेते हैं बिकॉज इनके पास बहुत से स्पॉन्सर्स होते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है एंड इनको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो बाकी के पैजेंट होते हैं वो प्राइवेट इवेंट्स होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कराते हैं एंड उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फी लगती है। ऑडिशन के टाइम डिपेंडिंग 500 से लेके 2000 तक कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आपको वो जो 5-6 दिन की ग्रूमिंग देते हैं उसकी अलग से आपको फी लगती है। अगेन इट गोज फ्रॉम 25,000 टू 1.5 लाख, डिपेंड्स आप कौन से वाले कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं। तो ये सवाल भी कई लोग पूछते हैं मेरे से कि इतने सारे पैसे ग्रूमिंग में वो लोग क्यों लेते हैं। बहुत जेन्यून है, इसमें कुछ फ्रॉड नहीं है। जेन्यून इसलिए क्योंकि वो आपको एक 5-स्टार होटल में रखते हैं। 5-स्टार होटल पर डे का, पर रूम आप खर्चा जानते हैं कितना है। खाना हो गया उसमें, 3 मील्स हो गए उसमें, उसमें आपके शूट्स भी होते हैं, उसमें आपकी ग्रूमिंग भी होती है जिसमें बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं आपसे बात करने के लिए, डिज़ाइनर्स कहीं आते हैं जो आपको अपने आउटफिट्स देते हैं। तो ये सब चीज़ों को मिला लें तो इतना खर्चा हो ही जाता है। स्टेज बनाना है, ओवरहेड्स हैं, आपको रैंप बनाना है, उसमें LCD लगाना है, तो ये सारे खर्चे कहीं ना कहीं तो आप ही से निकलते हैं ना। तो इसीलिए ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपको ग्रूमिंग फी में देना पड़ता है एंड इसके अलावा आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो होगा। तो इसीलिए जब आप मिस इंडिया के अलावा किसी और कंपटीशन में जा रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि मिनिमम कौन कितना चार्ज करता है। मिस इंडिया के बाद अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो नेक्स्ट जो मैं जानती हूं वो है रूबरू मिस इंडिया, जिसकी फी बहुत नॉमिनल है, 25,000 के आसपास है, और उसमें वापसी में आपको उससे डबल मिल जाता है जितना कि वो आपसे लेते हैं। इसके अलावा जो बाकी होते हैं वो अलग होते हैं, मिसेस के अलग होते हैं। एज आई सेड, डिपेंड्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म कि वो कितना चार्ज करते हैं। कुछ लोग आपको इंडिया से बाहर ले जाते हैं आपके फिनाले के लिए, तो वो एक्सपेंस भी उसमें आ जाता है। सो आप अच्छे से अपना रिसर्च कीजिए बिफोर यू इन्वेस्ट। सो वंस अगेन, अदर देन मिस इंडिया कोई पैसा नहीं लेता। इसके अलावा जो है उनमें कुछ ना कुछ फी तो जरूर होगी, उसको भी आप अपने एक्सपेंडिचर में जरूर ऐड कीजिएगा। सो अगेन एज आई सेड कि आपका खर्चा डिपेंड्स ऑन विच पैजेंट यू आर गोइंग ऑल्सो, और वॉट स्टेज ऑफ पैजेंट यू आर इन एंड हाउ मच डू यू वॉन्ट टू बाय और बोरो और हायर और गेट स्पॉन्सर।
सो आई होप आपको इसके बारे में मालूम चल गया होगा। अगर इसके अलावा आपके पास कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, ज़रूर पूछिएगा। और बहुत ही जल्द एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आ रही हूँ, जो मुझे बार बार बच्चे लिख के पूछ रहे हैं। आज नहीं बताऊँगी, बहुत जल्दी वो वीडियो लेके आऊँगी और आपको बताऊँगी कि हाउ टू सॉल्व दैट बिग प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन लाइफ इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर पेजेंट्स। सो आई होप दिस हेल्प्स। टिल आई मीट यू अगेन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।